मम्मी मुझे तो भूख लगी थोड़ी सी, दूध के लड्डू दे दो। क्या चल रहा है इधर? अच्छी कोई से बैठा हुआ है कंबल में, तुम राजा की तरह देखो ना। ये लड़की कभी सुनिए, पापा हाँ दबा लो तुम पापा का पैर, ये लड़की कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि इसको पैसा मिलता है। आप मेरा एक बार हिसाब जोड़िए तो कि हमको कब पैसा मिलता है। महीना में तुमको भी दिया है 300-400 रुपया, तो 300-400 चार दिन बाहर गए हैं तो 100 रुपए भाड़ा लगता है। दोस्त सब हमको पैसा देता है तो घर वापस आते हैं, 100 रुपए में नहीं चलता है, फिर भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं मांगते हैं। सोचिए हमको सब देता है 2000 रुपया, उसमें से 500 का सब खाली बर्तन खरीदवाता है, डब्बा खरीदवाता है। तुम रहे दो, जितना शॉपिंग करते हो ना उल्टा सीधा सब पता है हमको। गिफ्ट में मिला है ना, वो पीतल का बाल्टी खरीदना है हमको। पीतल का बाल्टी? हाँ। किस लिए? वो बाल्टी खरीदना, तुम्हारे लिए। चार को लीजिए, पीतल का बाल्टी खुशी का बात है चारों, लेकिन इतना पैसा देगा उतना ही सामान तिलक में चढ़ेगा, उससे बेसी तो नहीं। तो इसको एक को सामान नहीं मिला, जो भी सामान जो शरीर को फोड़िया बनाए वो अंजलि को नहीं। हम अपना दूल्हा ऐसा ढूंढेंगे कि 50% वो खर्चा करे और 50% हम खर्चा करें, तिलक और दहेज कुछ नहीं होगा। हाँ तिलक चढ़ाइए का शौक हो तो, फालतू का दहेज वहेज वाला सीन नहीं करने वाले हैं। रात सुधर गया बहन, सिरो यहाँ था हमको पता ही नहीं चला, शुरू हो गया ये यहीं पे लेटा हुआ था हमको पता ही नहीं चला भाई, उठ गया अचानक से। तुम पापा के पैर पे कूद रही हो बहन, तोड़ देगी, कोई भरोसा नहीं है। हटो हटो हटो, फिर बोलेगी सॉरी पापा, पापा मत दीजिएगा पापा। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगा। हम क्या किए हैं? बोल रही है तू भागल जा रही, चलो चलो जा रही है, हम पे चिल्लाएगी नहीं, इग्नोर करोगी तो। हम पे चिल्लाई है कैसे, ये नहीं याद है? फोन करके बोलती है नीचे आना, तक भी हम नीचे आए हैं। ऐसे ऐसा काम करके बुढ़ापा का भविष्य नजर आने लगता है। है कि उसका गुंडागर्दी ज्यादा चलता है? हाँ पापा गुंडागर्दी करती है, गुंडागर्दी नहीं करती, उसको नहीं बुझाता है तब चिल्लाना शुरू करती है। हाँ सब बुझाता है बेटा, रहे दो, तुम ही को नहीं बुझाता इसलिए तुमसे पूछती ही नहीं, हमको बुलाती है ऊपर से। चाहे ना करे कोई सब बुझा लगे, चाहे ना देख लीजिए आज वैष्णवी दी का सारा पोल खुल रहा है एक एक करके, जितना आप लोग बोलते हैं ना दीदी सुंदर है। आवाज में तो सुनोगी बात, जो कहोगे सो करोगे। आज डांट पड़ा है, बहन चली जाता है। उससे ज्यादा नालायक तो ये, आप बोलते हैं चाय बना तो बोलती है कि नहीं बनाएंगे, तुम ना बोलती हो तो बोलते हैं नहीं बनाएंगे। हाँ, नहीं। पापा बोलते तो बनाते हैं ना, और चाय ऐसा बना देती है कि फिर आदमी का दूसरा चीज घोटाएगा ही नहीं। तुम क्या ननद हो मेरी जो तुम्हारे लिए चाय बनाए? रहे दीदी, रहे दो बहन, दीदी के नाम पे बचपन से जो ढोंग कर रही हो, बोलूंगी नहीं, एनिमल वायलेंस नहीं करना। पापा मिक्सचर खाती थी ठीक ना, हमको इतना देती थी, बोलती थी घूम के आओ, चार मुट्ठी खा जाती थी उतना देर में। बात बात पे डांटते रहता है, हमको भी बात बात पे डांटते रहता है, हम दोनों अच्छे हैं जरूर लेकिन हम दोनों का अच्छा कोई नहीं देखता। रहे दो बहन, रहे दो, कुत्ता को खुद से कंपेयर मत करो, कुत्ता बहुत अच्छा है। कुत्ता तुम्हारा लिपस्टिक खा, देखो ना कैसे कैसे गोदिया में अस्थिर है, देखो ना ऐसे ऐसे किए हुए है, देखो मुर्सनी, देखो ना ऐसे मुंह की वही है, देखो ना इधर एक सेकंड, देखो ना, देखो ना पापा काम कर रहे हैं, देखो ना कैसे मुंह की हुए थोड़ा, देखो ना ऐसे। मम्मी जब छोटे थे, मम्मी जब छोटे थे दीदी मिक्सचर खाती थी, देख लो उधर क्या चल रहा है, लालच बढ़ा रहा है सब सिरुआ को। अरे पापा हम फास्टिंग में है, ये सब मत कीजिए, अभी तिलकुट खाई है। जानते हैं पापा छोटे थे तो मिक्सचर खाती थी थोड़ा थोड़ा ठीक ना, हमको थोड़ा बचपन से बदमाश है, बजेड़ है एकदम, क्या बोले क्या दिक्कत है बदमाशी करने में, कम से कम मेरा शिकायत घर के बाहर से तो नहीं आता। वो बदमाशी धीरे धीरे बढ़ जाता है बहन, दिक्कत नहीं है बदमाशी। भाग जाएगी खेलने बचपन में, जान लो हमसे बहाना बना के। आप लोग क्यों नहीं जाने देते थे हमको खेलने के लिए, सब बच्चा खेलने जाता था। देख भी मैं लेके चल जाओ, देखिए ब्लॉग के लिए नहीं लेके गई, नहीं तो अभी सीधा बोल दी होती कि पापा अभी आप क्यों सकिएगा, आपको क्या जरूरत है हमसे कहेंगे अभी। ये बात तो हम आज तक बोले नहीं, तुम लिखवा लो पापा जी से। पापा ये हीटर लेके नहीं चल जाती है मुंह पे पापा? इग्नोर ये पापा, 100% इग्नोर पापा, ये हीटर इग्नोर सक्सेसफुली हीटर लगा के रखो तो पापा हीटर वो दीजिए। हाँ दीजिए, फेंकना हाँ, है इनको, मांगते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि दे दीजिए क्या करिएगा आप, तो मांगोगे तो पापा दे ही देंगे, बॉयज आर नॉट एक्सप्रेसिव। पापा को कितना कष्ट हो अगर मांग लोगे तो दे देंगे, तो तुमको खुद दिमाग होना चाहिए कि हाँ पापा लीजिए आप सेकिए, हमको कोई जरूरत नहीं, हम अभी जवान है। पैर में दर्द उठा, दीदी का पर्दाफाश, आज का ब्लॉग का टाइटल होगा दीदी का पर्दाफाश। हट रे फिर निद्रा, दोनों का हल्ला से उठ के बैठ गया, नींद खुल गया इसका।
पापा नहीं, हम इसके मुंह पे उठ गए थे इसलिए उठाए। इतना ठंडा लग रहा था दोपहर में, जो मेरा हिम्मत नहीं किया ना, जो हम छेना गुड़ में भूज के मंगना। कोई बात नहीं बाबा, दे दो बहन दे दो, बहुत ही प्यार बहुत प्यार से मांग रहा है, बहन दे दो। आता सब है, कुड़िया है और ऐसे एक्ट करते जैसे हमको तो कुछ आता नहीं और हम करेंगे भी तो बिगाड़ देंगे। हमको तो लगता है ये जान बुझ के काम भी बिगाड़ती है ताकि इसको कोई काम ना दे। अपना लाइन मेरे ऊपर मत ठोको, कुड़िया वर्ड ना तुम्हारे लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना है। रहे दो पापा, आप क्या बोल रहे हो? बोलिए। हमारे यहाँ देश से एक साल पैसा इसको और दो साल इसको, बस कर बात किसी को। एक साल ही अपना यूज करेगी और दो साल और मेरा भी यूज करेगी। ऐसे लुटेरी है ना, ऐसे लुटेरी पैदा किए हैं। स्किन के लिए तो दवाई ले ली थी माँ, बुद्धि के लिए दवाई नहीं ली थी अपनी बड़ी बेटी के? बुद्धि तो बाबू तुमसे भी ज्यादा। रहे दो बहन, फिर भी यूज नहीं करती हो। तुम्हारी तरह चलाक लोमड़ी नहीं है, ये बनना पड़ता है जैसे दुनिया है ना आजकल, बनना पड़ता है ना। तो तुम्हारे जैसी औरत हो ना तो नोच के खा जाए हमको। खाने पीने में खाली चलाकी दिखाते। पापा मारेंगे दोनों को, बहुत हो गया। जो बहुत सीधी है, जो समझा के चिल्ला कर रह जाए, दूसर मतारी रहते जगह कूट काट देते जाने। ये जैसे हमको उठा के मारती थी पता है, यहाँ से उठाती, देखो यही बिछौना तो वाला बेड इधर था, यहाँ से हमको ऐसे उठाती थी एक हाथ से कपड़ा से, वो कोना में फेंकती थी, अच्छे से आगे इसी कोना में मार खा जाए तो फेंक देती थी, और छाता से ऐसे करके मारती थी। हाँ माँ मारी हो तुम, फिर अच्छा था। उसके बाद भी तुम्हारा ये हाल है बहन, इतना मार खाने के बाद भी? नहीं, हमसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं है सबको ना, हम तो है ही नालायक। समझ लो कि कौन बड़का नालायक है। तुमको लेकर कहीं कहने के लिए भाग गई? नहीं पता है पापा, इसे घर चलिए घर चलिए, उस चक्कर में हमको भी लेके चली गई। हाँ, अब पापा कितना मारे थे जूता से बहन, कॉलर उठा के नीचे पटक दिए थे, उसके बाद पैर में जूता पहने हुए थे, पैर के साथ ही मारे थे हमको, जूता उतार के नहीं मारे थे। पापा ऐसे मारिएगा पापा, पापा आपको दया नहीं लगता था हमको मारते हुए? आदत छुड़ा रहे थे, भटकने वाला है। पापा आप घाट पे अनाउंसमेंट भी करा दिए थे ना कि हम लोग कहाँ हैं? हम खुलवा रहे हैं घाट पर अनाउंस करवा के। दो बेटियाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई थी? हम सोचे ना कि पापा खुश हो जाएंगे कि हम लोग खुद से घर आ गए। सबसे पिटाई थी गुड़िया सबसे पहले। दीदी पहले पिटाई थी, हम ज्यादा पिटाए थे। नहीं नहीं, आप हमको नहीं पिटे थे, आप हमको खाली डांटे ना, हम उतने में रोना चालू कर दिए थे बस। अंजलि हमको तो पापा, हमको तो हमको मम्मी पे ना, तुम ऐसे थी उसी पे तुमको उठा के मार दिया गया। पता है बहन हमको क्या फील होता उस टाइम कि मेरे पापा हमको इतना मार रहे हैं, मम्मी बचा क्यों नहीं रही हमको, हम मर गए तो? नहीं मम्मी बोली छोड़ दीजिए, मम्मी छठ भूखी हुई थी भाई, छठ भूखी हुई थी। लेकिन पापा आपको ऐसे नहीं मारना चाहिए था, हम भूलेंगे नहीं इस चीज को, बता दे रहे। पड़ा और भाग गया। बच्चे कौन मारता है भाई, आपका बच्चा मिल गया ना आपको तो मार। पापा को ये था ना कि सब गई कहाँ, घर आ गए लेकिन परेशान, जब घर में देखे ना तब इनको आग बबला लगा के बेटा आ जा, रुक थोड़ा बताते हैं, मार चप्पल मार जूता ठीक कर दे। हम बोलते तब तक रीत तुमको दीवार में पटक चुके थे, और उसके बाद तुमको ना कुछ खाना भी बना था छठ वाले दिन, 11 बजे से खाना बना था, उठा के बिक दिए तुम उसको, तो थोड़ा कम मारे तुमको, देसन दीवार में फेंके ना। हमको मारे नहीं थे, हम पे तो चिल्ला ही थे, तुम रोने लगे थे। नहीं रे, कहाँ खोने गए थे, बाकी जो आप हरकत किए ना तब आप ही को मन करी आ रहा था मेरा। दोगरा छोड़ के हम लोग खोने गए थे, कोई नहीं था। तो मिल गए ना तो मारने का क्या जरूरत था, ये बताइए ना, गुस्सा आ रहा था। कहाँ दोनों चल गए? अच्छा पापा एक बात बताइए, एक सेकंड पापा, जब आपको हम लोग घाट पे नहीं मिले तो आप क्या सोच के घर आए कि अब नहीं मिलेगी? नहीं हमसे कहा कोई, क्या उधर एक आदमी कहा, जब बचपन सबको देखे जा रहा था तब घर की तरफ, तब तो समझ लो कि क्या होगा। पटरे पे एक आदमी कहा, उन्होंने पेपरों को मीडिया के पेड़ में भी लीजिए, आपका बच्चा सबको देखे थे घर तरफ की तरफ जाते हुए, इन्हें आप लोग दोनों व्यक्ति खोज रहे हैं दौड़ा दौड़ी कर। साला हम लोग को तब भी सब जानता था, कोनो ना कोनो देख ही लेता था हम लोग को। बहुत जोर से सुसु लगा है, बहुत देर से कंट्रोल कर रहे थे, आप लोग को इंटरटेन करने का चक्कर में हम फिर इंटरटेन हो जाते हैं। बोलो बोलो एक और इसका कांड बताते हैं, आज इसका सब पर्दाफाश होगा। होता है, होता है क्या, जब छोटी थी ना तो आगे से बाल ऐसे थे, बेबी कट काट ली थी, याद है पापा? बाल आगे से जो काट ली थी बेबी कट, इसको लग रहा था क्यूट लगेगा, आगे से छुछुंदर नहीं लग रही थी, बोल रही थी हम नहीं काटे हैं, नहीं काटे हैं, कट गया ना, हमको लगा ना कि यहाँ से काटेंगे ना तो ऐसे ऐसे पूरा फैल जाएगा, ऐसे काटे ना कुछ ज्यादा ही छोटा गया, यहाँ से पूरा क्लिप लगा। अब बाल कहाँ फेंकी है, खिड़की के बाहर की, किसी को पता ही नहीं चला। ये तुम कितनी बड़ी खच्चर उठा के लेके आ गई थी, हमको बताना था कि तुम की हो खच्चर, तुम जितनी हो ना हमको बनना पड़ता है खच्चर कभी कभी, भले हम कितने भी मासूम हो। उसके बाद तो जो मार खाई थी, बाल आ गए थे काटने के लिए, इसको बुखार भी हो गया था, इसको कुछ हो ना तो बुखार हो जाता है। एक और चौकी लगा था इधर दो ठो शायद,
और नीचे घुस गए थे। अंजलि उधर से घूम के आई उधर से ऐसे और अंजलि का पैर पकड़ लिया अंजलि से चिल्ला कर रोई है ना। मम्मी बोलती ना उसको उसको हार्ट अटैक आता था तो उसको होता था तो उसके बाद जो मारी है नहीं हमको फिर से अच्छा की है। सीढ़ी पर से गिराए थे ना हम 13 को सीढ़ी से नीचे हमको ठेल दी थी। एगो खाली माजा में 4 को घोट उसमें बाकी 3 को घोट बाकी होगा ठीक है। उसको लेने के चक्कर में ही हमको 13 सीढ़ी नीचे ठेल दी थी। माथा मेरा यहाँ पे इतना बड़ा टेटन निकल गया था। ऐसे ही हम नहीं ऐसे चिढ़े रहते हैं। कोई नया चीज नहीं तुम्हारे साथ हुआ, ऐसे भयानक हुआ। सोचो ना हम कभी इसको ठेलेंगे 13 सीढ़ी नीचे। दोनों को सेम ही संस्कार दी थी ना। वो जानबूझ के नहीं ठहरे थे, तुम नीचे थी हम ऊपर थे, मैं छीना छीनी हो रहा था। तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला जीवित रहे या मरे, तुमको समान से मतलब है ना। तो मेरा सिट्टी पिट्टी अब हम गए और हम फिर तुम्हारे तुम पर हम ब्लेम हटा दिए थे कि नहीं तुम नहीं ठेली हो, हम खुद से गिरे हैं। अगर इसको अपना बचना रहेगा ना तो कुछ कर लेगी। मुंह पकड़ के दीवार में ठेल दी थी और मेरा टूटी फूटी गया था, यहाँ से खून फेंक दिया था। ज्यादा दिन पहले का नहीं, थोड़ा दिन पहले का, ये तो हुआ होगा 3-4। यहाँ लिखना है अंजलि चोरनी है। हम अपना बाल खुद से काटे हैं इस बार और बहुत अच्छा कटाया है। मतलब पूरा तो रोशनी दी काटी है, मेरी दीदी है एक मेकअप आर्टिस्ट है वो काटी है, लेकिन हम आगे से थोड़ा सा कट किए थे छोटे छोटे। बहुत अच्छा हुआ, इसकी तरह नहीं यहाँ से काट लिया था कि मुंह पे आएगा। सीरो सब्सक्राइब करने बोल दो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने बोलो सबको। नहीं बोलेंगे, जल्दी बोलो ना। ब्लॉग एंड करेंगे, 10% बैटरी लगा, 6% जल्दी बोलो ना। सब्सक्राइब करना, लाइक सब्सक्राइब एंड पोको। सीरो सब्सक्राइब करने बोल दो। सीरो पापा सब्सक्राइब करने बोल दीजिए। सब्सक्राइब करने बोल देना, इसमें सब्सक्राइब करने बोल देना, बोल देना कि सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी दादी इतनी स्वीट है ना, जो जो भी बोला बोल देती है। बाकी सबको बोलो बोले तो कोई नहीं बोलता है। दादाजी इसमें सब्सक्राइब करने बोल दीजिए ना। क्या बोल दीजिए? कि सब्सक्राइब कर दीजिए रजुआ के चैनल को। सब्सक्राइब कर दीजिए रजुआ के चैनल को। सब्सक्राइब कर दीजिए रजुआ के चैनल। हाँ यार, उफ यार, मतलब इतना खुशी क्या बोले। मेरे दादा दादी कितने स्वीट है, बोल दिया इतना अच्छा से सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉफियां तो उड़ गया हमको भी। हाँ दे रहे पापा। टॉफी खत्म हो गया था ना। क्या उसमें कैंडी दे दो हमको। अल्पदीप नहीं देंगे, अल्पदीप दे दो, पसंद है हमको। भले बचपन में खचर, बचपन में कोई भी खचर हो सकता है, लेकिन तुम अभी इस वक्त इस 3-4 साल में जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की महा खच्चर हो। इतना मतलब गधा का बच्चा। खच्चर अलग प्रजाति होता है, जो सिरो को खिलाता है सिरो उसी का हो जाता है। कैसे खेल रहा है। थोड़ा सा जल पान कर लिया जाए। अरे यार टॉफी तो लिए, टॉफी के लिए सिखाई कर रही हो। देखो हम लोग जो भी लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, भाई बहन का बॉन्ड ना ऐसा ही होता है। और फैमिली भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। आई थिंक हम सभी की फैमिली ऐसी और है। सुताई तो हम सभी की हुई है बचपन। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने व्लॉग्स को जितना हो सके रॉ और रियल रखें। व्लॉग प्यारा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। हाँ। मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ। तुम्हारी प्यारी से रजुआ को ना तुम्हारे सपोर्ट का जरूरत है, तो सब्सक्राइब करो ना, शर्मा क्यों रहे हो। जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। यस डू इट नाउ। मिलते हैं कल। बाय बाय।